नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। अच्छी और सकारात्मक खबरें देने वाले इस अनोखे YouTube चैनल की संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की है। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। इलाज सिर्फ एक रुपए में, बेकार वस्तुओं से सजावटी सामान, छोटे पेड़ बड़ी उपलब्धि, ये है दिल्ली के मटका मैन, भारत का पहला फॉर्मूला 2 विजेता। ओडिशा में एक डॉक्टर एक रुपए में इलाज करने वाला चिकित्सालय चलाता है। जानते हैं क्या है इसके पीछे का विचार। गरीबों के लिए एक रुपए का क्लिनिक चलाने वाले ओडिशा के डॉक्टर शंकर रामचंदानी अब मरीजों को एक रुपए में दवा भी दे रहे हैं। एक डॉक्टर के रूप में रामचंदानी हमेशा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता देने के लिए अपने कर्तव्य से परे चले गए हैं और उनका एक रुपया क्लिनिक इस बात को साबित करता है। ओडिशा के बुरला में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करते हुए 38 वर्षीय रामचंदानी ने पिछले साल यह क्लिनिक शुरू किया, जिसमें मरीज इलाज के लिए एक रुपये का भुगतान करते हैं। बुरला के कच्छ मार्केट इलाके में स्थित यह क्लिनिक सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। केरल की ये महिला बेकार वस्तुओं को सजावटी सामान में बदलती है, आइए देखते हैं। भारत में हर साल हजारों टन कांच का कचरा पैदा होता है। इसमें से केवल 45% का पुनर्चक्रण किया जाता है, जबकि शेष गड्ढों में पहुंच जाता है। हम में से अधिकांश के लिए कांच की बोतलें बेकार हैं, लेकिन 35 वर्षीय रेंजिनी थम्पी के लिए वे ऐसे खजाने हैं जिन्हें संजोया जाना चाहिए। 2015 में शादी करने के बाद जब रेंजिनी दुबई से भारत आई तो उन्होंने बेकार कांच में कला की क्षमता देखी। भारत आने के बाद उन्होंने सोचा कि इनसे कुछ अच्छा बनाया जाए। अपने स्टार्टअप के माध्यम से उन्होंने 21,000 से अधिक कांच की बोतलों को घर की सजावट और कला के सामान में बदल दिया। इनमें लैंप, साइड टेबल डेकोरेशन, वॉल हैंगिंग, पैलेट, घड़ियां और बहुत कुछ शामिल हैं। कांच के अलावा उन्होंने 5,000 से अधिक नारियल के गोले, 800 किलो से अधिक लकड़ी और 500 किलो से अधिक धातु के कचरे को घर की सजावट के लिए पुनर्चक्रित किया है। वह अब तक 5,000 से अधिक ऐसे उत्पाद बेच चुकी हैं। इस भूतपूर्व मरीन अभियंता ने 700 किस्मों की बोनसाई उगाई है। मिलते हैं लेनियस जेवियर से। कोच्चि के सेवानिवृत्त मरीन अभियंता लेनस जेवियर बचपन से ही बागवानी के अपने जुनून का पोषण कर रहे हैं। अपने काम के दौरान इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और चीन जैसे कई एशियाई देशों की यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न बोनसाई उद्यानों का दौरा किया, जहां उन्होंने विभिन्न किस्मों के बारे में सीखा। आज उनके संग्रह में बोनसाई की 700 से अधिक किस्में हैं, जैसे कि जूनिपर, हाथी के पेट, उष्णकटिबंधीय बॉक्सवुड, जेड, ब्लैक पाइन और कई अधिक किस्में शामिल हैं। इतने सारे बोनसाई के मालिक होने के बावजूद लिनस उनमें से किसी को बेचने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें अपने पालतू जानवरों की तरह मानते हैं। दिल्ली के मटका मैन यह सुनिश्चित करने के मिशन पर है कि कोई प्यासा न रहे। सुनते हैं पूरी कहानी। कैंसर से बचे 69 वर्षीय अलग रत्नम नटराजन हर सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी वैन में 70 मटकों को भरने के लिए निकल पड़ते हैं, ताकि कोई गरीब प्यासा न रहे। दिल्ली की गर्म धूल भरी गर्मी में ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते पेयजल नहीं खरीद सकते। इनमें रास्ते के किनारे रहने वाले, सड़क साफ करने वाले, रिक्शा चालक और कई अन्य शामिल हैं। नटराजन ने जगह जगह मटका स्टैंड बनाए हैं और 2014 से दक्षिण दिल्ली में मुफ्त पेयजल उपलब्ध कराते हैं। उन्हें अब मटका मैन के नाम से जाना जाता है। जेहान दारूवाला ने रच दिया इतिहास, बन गए फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय। भारत के जेहान दारूवाला ने हाल ही में FIA फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप में अपनी पहली फीचर रेस जीत हासिल की और भारत के पहले फॉर्मूला 2 विजेता बन गए हैं। 3 कठिन दौरों के बाद जेहान को आखिरकार एक चुनौती देने वाली कार मिल ही गई और उन्होंने क्रीड़ा प्रेमियों को निराश नहीं किया। यह भारतीय रेसर फॉर्मूला 2 में अपने तीसरे और शायद आखिरी सीजन में हैं।
उन्होंने हाल ही में मैकलरन के साथ एक फॉर्मूला वन कार का परीक्षण किया था, लेकिन अगले सीजन के लिए उनका सहभाग कठिन लग रहा है। गाजर हमारे शरीर के समग्र प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, जानते हैं इसके अन्य फायदे जाते जाते। कहा जाता है कि गाजर खाना आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन इस पसंदीदा कंद के और भी कई फायदे हैं। इनमें प्रतिरक्षा का निर्माण, यकृत स्वास्थ्य में सुधार, मधुमेह और कैंसर की रोकथाम और बहुत कुछ शामिल है। गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन विटामिन ए को रोडोस्पिन वर्णक में बदलने में मदद करता है, जो कम रोशनी या शाम के समय दृष्टि में सुधार करने में मदद करता है। गाजर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन ए कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को 25% तक कम कर सकता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। सूरज के संपर्क से होने वाले नुकसान को भी गाजर रोक सकता है और समय से पहले झुर्रियों और अस्वस्थ त्वचा को कम करता है। आशा करता हूँ ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।